हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अली विजेक्शन को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मुलजिम और मुजरिम में आखिर क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये जो दोनों शब्द हैं ना, काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस कारण से बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है इसको समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी लोग दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, मुलजिम और मुजरिम एक ही होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोनों जो शब्द हैं, दोनों शब्द में जमीन और आसमान का अंतर है, चाहे फिर उसको रात दिन का अंतर आप कह लो। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो पूरे वीडियो को देखो, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करो। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आखिर ये मुलजिम होता क्या है। दोस्तों, मान लो किसी ने आपके खिलाफ किसी कोर्ट में एक परिवाद दाखिल कर दिया कि आपने उसके साथ मारपीट करी, या फिर किसी भी सिलसिले में मारपीट करी, गाली गलौज करी, या फिर आपने किसी का मर्डर ही क्यों नहीं कर दिया। जब कोई केस कोर्ट में दाखिल हो जाता है और जब तक आपके खिलाफ आरोप की सिद्धि नहीं होती है, तब तक आप मुलजिम कहे जाएंगे। यानी सिर्फ इस व्यक्ति द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, इसका मतलब आप मुलजिम हैं जब तक कि आपकी दोष सिद्धि नहीं हो जाती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं मुजरिम आखिर कहते किसको है। दोस्तों, अगर किसी भी न्यायालय द्वारा आपके खिलाफ दोष सिद्धि कर दी जाती है, यानी किसी भी इंसान ने अगर आपके खिलाफ आरोप लगाया है और उसकी पुष्टि या दोष की सिद्धि न्यायालय द्वारा कर दी जाती है, तो फिर आप जो है अपराधी माने जाएंगे और आपको मुजरिम का दर्जा दे दिया जाएगा। यही अंतर होता है मुलजिम और मुजरिम में। इसलिए दोस्तों, आप यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मुलजिम और मुजरिम में काफ़ी अंतर है। और यहाँ अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो शब्द का ही अर्थ बिगड़ जाएगा। और अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखना चाहते हो ना, तो मेरे आगे जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपको नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।